हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रफ्तार के बारे में। तो एप्पल म्यूजिक की एक प्लेलिस्ट है जिसका नेम है हिंदी पॉप हिट्स। तो उसके कवर आर्ट पे अभी आप लोग को रफ्तार देखने को मिलेंगे। तो रफ्तार जो है वो कुछ ऐसी पोस्टर डालते हैं। तो अब बात कर लेते किड शॉट, लेजरस और तला यूनिस के बारे में। तो इनका जो ट्रैक आने वाला था जिसका नेम था बूम, उसका लिरिकल वीडियो आउट हो चुका है। तो अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कैसा लगा आप लोग को नीचे कॉमेंट्स में बताना। तो अब बात कर लेते हैं एग्जी के बारे में। तो एग्जी जो है वो कुछ ऐसी स्टोरी डालती हैं, यू आर सो नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट रिलीज। तो अब बात कर लेते हैं इक्का और दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत जो है वो अपने इंस्टाग्राम पे Q&A रखते हैं जिसमें उनसे पूछा जाता है इक्का पाजी के साथ कब कोलैब देखने को मिलेगा। तो दिलजीत पाजी इसका रिप्लाई करते हैं और कुछ ऐसा कहते हैं, डेफिनेटली पाजी, वी लव इक्का, असीं सारे इक्के नूं बहुत प्यार करदे हैं। मेरी टीम च बहुत बंदे आ जिहड़े इक्के नूं सारे असीं बहुत प्यार करदे हैं। सो इक्का पाजी जदों भी कहणगे आई एम रेडी, सारे भरावां लई, सारा लई गाने कर रहा मैं अपने जिन्ने भी मित्र हैं। इसके अलावा इक्का ने कुछ स्टोरीज भी डाली है और कुछ ऐसा लिखा है, ये फिल्टर हमें बाहर से खूबसूरत बना सकते हैं अंदर से नहीं, खूबसूरती मन से होनी चाहिए, उससे बड़ी कोई खूबी नहीं। एल्बम के पहले वीडियो का पहला कट देखा अभी, गूज़बम्प्स, निशु रियल सून, एक चूतिया को हर चीज चूतिया लगती है। तो जैसे कि इक्का ने बताया कि उनकी एल्बम का जो पहला वीडियो है उसका उन्होंने कट देखा है जो कि बहुत ही सही देखने को मिला है। तो वेट करते हैं, जल्दी आने वाली है निशु एल्बम। तो अब बात कर लेते कृष्णा के बारे में। तो कृष्णा का जो नो कैप ट्रैक है वो अभी स्पॉटिफाई पे 1 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है। तो कृष्णा की बात हो ही रही है, तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोग को बताया था कि कलमकार का एक इंडिया टूर होने वाला है। तो इसमें आप लोग को सारे कलमकार के आर्टिस्ट देखने को मिलेंगे। तो गुरुग्राम में है 16 जनवरी को, मुंबई में है 21 को, और हैदराबाद में है 28 को। तो अब बात कर लेते सात बंटाइज के बारे में। तो सात बंटाइज की एक EP देखने को मिलने वाली है और उसका नेम होने वाला है इनटू द स्लम। तो आप लोग को पता ही है कि सात बंटाइज के मेंबर्स कुछ टाइम से एक स्टोरी डाल रहे थे ITS की, तो उसका फुल फॉर्म यही है, इनटू द स्लम। तो इसके लिए वेट करते हैं, जैसे ही कुछ अपडेट आती है मैं आप लोग को बता दूंगा। तो अब बात कर लेते काम भारी के बारे में। तो काम भारी जो है वो एक स्टोरी डालते हैं और उसमें उन्होंने गुमान ट्रैक जो है यंग स्टनर्स का उसको ऐड करा है। तो अब बात कर लेते नैस के बारे में। तो नैस का भी गाना आउट हो चुका है जिसका नाम है अगर मैं होता भगवान। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो हनी सिंह की साइड से है। तो 24 आवर्स में मोस्ट व्यूड वीडियोस के लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर ऐड हो चुका है गड्डी नीवी ट्रैक। तो 24 घंटे में इसने करीब 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन करे है, जो कि काफी बड़ी बात है। तो अब बात कर लेते सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि सिद्धू मूसेवाला और सनी माल्टन की जो कंट्रोवर्सी है वो ओवर हो चुकी है। तो अभी सिद्धू मूसेवाला ने एक ट्रैक अनाउंस कर दिया है जो कि है सनी माल्टन के साथ में, और गाने का नाम है यंगेस्ट इन चार्ज। तो काफी टाइम बाद इनका साथ में ट्रैक देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं, जरा कॉमेंट्स में बताओ। तो अब बात कर लेते मॉब डी के बारे में। तो मॉब डी जो है वो कुछ ऐसी स्टोरी डालता है, यो फैम, वी आर रेजिंग फंड्स फॉर आर म्यूजिक वीडियोस एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, वुड रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज इन एनी पॉसिबल वे, दिस इज आर UPI ID विच यू कैन सेंड योर फेवर्स टू। तो मॉब डी जो है वो कुछ अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेज कर रहे हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो इनको सपोर्ट कर सकते हो, UPI ID आप लोग को स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।